पूर्व प्रधानों के हत्यारों की जल्द हो गिरफ्तारी। जी हां, मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सेखवालिया गांव में पिछले 12 जनवरी को सपा नेता एवं पूर्व प्रधान बिजली यादव हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज समाजवादी युवा जन सभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट JN संचान को सौंपा। सपा ने पूर्व प्रधान की हत्या में सम्मिलित हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन देने आए समाजवादी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष राज विजय यादव ने बताया कि 12 जनवरी को मोहम्मदाबाद के सेखवालिया गांव के पूर्व प्रधान बिजली यादव की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी घटना में शामिल हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि घटना में शामिल दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए, साथ ही बिजली यादव के परिवार को 5 लाख बतौर मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे हम बृहद धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मऊ से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये प्रदर्शन विगत 12 तारीख को एक हत्या हो गई थी पूर्व प्रधान सेखवालिया ग्राम सभा की, जिनका नाम है बिजली यादव, और दिन दहाड़े सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिनकी हत्या दिन दहाड़े अभियुक्तों द्वारा कर दी गई, जिस पर हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री को सरकार के जिला अधिकारी के माध्यम से हमने एक पत्र भेजा है, जिसमें हमारी ये मांग है कि हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए और एक परिवार के किसी भी सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये सरकार से हमारी मांगे हैं, और अगर जल्द से जल्द इन मांगों को पूरी नहीं की गई तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बात करेंगे। राज विजय यादव जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में कुछ मांगे की गई हैं, जिनको कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय आज भेज दिया जाएगा।